Hi students, how are you? I think you are fine. Today I am going to take a class. Today is our 14th day of spoken English class. It is a speaking course. So look at the board here. Today I am going to teach you the perfect continuous tense. Present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. Look at the board here. I want to hear the structure. Yes means subject, has or have, plus been, plus verb 1, plus ing. Means verb 1 ing, verb 1 plus ing plus object. Means ing form of the verb. Working, playing, thinking, eating, walking, running. These are run plus ing running, walk plus ing walking, ing form of the verb. Usually subject plural means I, we, you, they, and boys, girls we use a have been. In the singular we use has been, he has been, she has been, it has been, Raju has been. See, look at the sentence here. In present perfect perfect continuous tense, we use an action started in the past and still continue. Ek action pahle se shuru ho gaya hai, that action abhi bhi chal raha. Koi bhi kaam, suppose koi bhi kaam pahle se shuru ho gaya, abhi bhi wahi kaam chal raha hai, isko hum log present perfect continuous tense mein bolte hain. Look at board here. I have been watching TV for 2 hours. Iska meaning, maine 2 ghanta se, 2 hours, 2 ghanta se TV dekh raha hoon. Main 2 ghanta se TV dekh raha hoon. Iska meaning, 2 ghanta ke pahle, unhone TV dekhna shuru kar diya hai, jo abhi bhi unhone TV dekh raha hai. इसका मतलब दैट एक्शन स्टार्टेड बिफोर इन द पास्ट, एक एक्शन पहले शुरू हो गया. जब मैं आपको देख रहा हूं तब अब वही एक्शन अभी भी चल रहा है. ये कब से टीवी देखना शुरू हो गया? 2 घंटे से पहले. अभी भी क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है. 2 घंटे से उन्होंने टीवी देखने शुरू कर दिया, अभी भी वो टीवी देखते रहता है. दैट इज रीजन I have been watching TV for 2 hours. मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं. Then they have been singing song for an hour. वे 1 घंटे से गाना गा रहे हैं. मतलब 1 hour के पहले उन्होंने गाना शुरू कर दिया, अभी भी गाना गाते रहता है. See, it has been raining. See, look at here. He has been working there for 2 hours. 2 years. He has been working there. उन्होंने वहां 2 साल के पहले काम शुरू कर दिया, अभी भी सेम वर्क, अभी भी वो काम वो कर रहा है. इसलिए ये टेंस में हम लोग को बस he has been working there for 2 years. 2 साल से वो काम करते रहता था, अभी भी कर रहा है. उसका काम अभी तक खत्म नहीं है, मतलब स्टिल वहां. सपोज आई हैव बीन टीचिंग इन केरला पब्लिक स्कूल फॉर 2 इयर्स. 2 साल से मैं केरला पब्लिक स्कूल में क्या कर रहा है? पढ़ा रहा हूं. आई एम टीचिंग, मैंने क्या कर रहा हूं? I have been teaching means I have been teaching in Kerala Public School for 2 hours. Sorry, for 2 years. For 4 years since 2014 से मैं केरला पब्लिक स्कूल में टीचिंग कर रहा हूं, अभी भी ये काम चल रहा है. See, he has been working there for 2 years. 2 साल से उन्होंने 2 साल से वहां काम कर रहा है, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग. इट हैज बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग मींस सुबह से लेकर बारिश हो रही है, अभी भी बारिश चल रहा है. द रेन स्टार्टेड बिफोर इन द पास्ट. ये बारिश पहले
लेकिन बारिश अभी भी चल, इसलिए वही टेंस में हम लोग जो बोलते बारिश पहले शुरू हो गया अभी भी बारिश चल रहा, इसलिए बोले इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। राजू हैज बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग, राजू सुबह से खेल रहा है। राजू स्टार्ट प्ले खेल कब शुरू हो गया, मॉर्निंग में शुरू हो गया, अभी मैं उसको देख रहा हूं तभी उनका खेल चल रहा है। इसका मतलब कि राजू हैज बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग मींस सुबह से वो खेलते रहता है, खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है। सी मेनी सेंटेंस वी कैन सी द मेनी सेंटेंस, शी हैज बीन सिंगिंग एंड आई हैव बीन वर्किंग, ही हैज बीन नॉकिंग द डोर, मेनी सेंटेंस वी कैन सी। और आप इतना सोचिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एन एक्शन स्टार्टेड बिफोर इन द पास्ट, एक एक्शन पहले शुरू हो गया, दैट एक्शन कंटिन्यू, अभी भी वही एक्शन चल रहा, वही सेंटेंस हम लोगों को वेरी केयरफुल, हम लोग स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हम लोग पढ़ रहा है, इट इज नॉट ए ग्रामेटिकल क्लास। इन द ग्रामेटिकल क्लास यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन मोर एंड मोर, आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लेकिन आप इसका आइडिया समझ लीजिएगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ हाउ कैन वी से, हाउ कैन वी टॉकिंग टू अदर्स, ये एन एक्शन स्टार्टेड बिफोर इन द पास्ट स्टिल कंटिन्यू, देन वी कैन से आई हैव बीन प्लेइंग, I have been working, he has been running, he has been playing, he has been driving, he has been swimming. मतलब ये पहले this action शुरू हो गया, अभी भी ये action चल रहा है। See, number past perfect continuous. See, subject plus had been plus verb one ing object. See, but problem is that here only had. इन द सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग हार्ड उपयोग करता है, नो डिफरेंस। यदि आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, एनी सब्जेक्ट वी यूज हार्ड। बट प्रॉब्लम इन व्हाट वेज एक्सैक्टली इसका मीनिंग क्या है, एन एक्शन स्टार्टेड इन द बिफोर, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट and continues in the past. एक action past में भूतकाल में शुरू हो गया, वही action भूतकाल में चल रहा था। यहां क्या है, an action started before in the past and still continue. एक action पहले शुरू हो गया, an action अभी भी चल रहा है। यहां क्या है, an action पहले शुरू हो गया, पहले चल रहा था, अभी नहीं चल रहा, अभी completed, stop. I had been watching TV for 2 hours. मैं 2 घंटा से टीवी देख रहा था। यहां क्या है, मैं देख रहा हूं means अभी ये present में अभी भी देख रहा, लेकिन past में क्या है, an action started before in the past, past में continue हो रहा था, अभी continue नहीं है। See, मैं 2 घंटा से टीवी देख रहा, अभी टीवी नहीं देखता, पहले टीवी देख रहा था, अभी नहीं, पहले काम कर रहा था, अभी नहीं। I had been working in Kerala public schools for 2 years. मैं 2 साल से केरला पब्लिक स्कूल में काम कर रहा था, इसका मतलब अभी मैं काम नहीं करता। See, they had been singing a song for an hour. वे 1 घंटा से गाना गा रहे थे। He had been working there for 2 years. वह 2 साल से वहां काम कर रहा था। Very simple. This present continuous and past continuous होते हैं। Present continuous an action started before the, अभी भी चल रहा है। But यहां क्या है? An action started before the past. एक action पहले शुरू हो गया, पहले चल रहा था, अभी समाप्त हो गया, अभी नहीं चल रहा। But in the future tense, future perfect continuous, a future में, भविष्य में एक काम चल रहेगा, थोड़ा समय चलेगा। I shall have been watching TV for 2 hours. मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूंगा। ये हम लोग ऐसे बोल सकता है, he will have been watching TV. वह 2 घंटा से टीवी देख रहा होगा।
मींस मैं अंदाज लगा रहा हूं, मींस नॉट अ श्योर वो वही काम वो कर रहा होगा। यूजुअली इन दिस सेंटेंस हम लोग को ज्यादा यूसेज नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ज्यादा यूसेज है, लेकिन इसका अर्थ आप लोग समझना है, इसका मीनिंग समझना है। और एनी सेंटेंस सपोज कल इस समय मैं वहां खेल रहा होगा, सी आई शाल बी प्लेइंग देयर बाय दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय वहां खेल रहा होगा, सी वही है आई शाल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर टू अवर दे विल और आई शाल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर टू अवर्स दे विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग एन आवर ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर टू इयर्स वह दो साल से वहां काम कर रहा होगा। इट मीन्स व्हाट, कल इस समय मैं एक काम कर रहा होगा, अगले साल इस समय हम वहां कोई काम कर रहा होगा, दैट इज मीन इन फ्यूचर में एन एक्शन विल कंटिन्यू, फ्यूचर में आने वाला समय में एन एक्शन विल कंटिन्यू, दिस मच फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हम लोग। See, then look at here, how can we make the negative? It is very simple to understand then how we make the negative. I have been watching TV for 2 hours. Have been, यहां हम लोग नोट लगा सकता है, have plus been, have not been watching TV, मैं 2 घंटा से टीवी नहीं देख रहा हूं। See, they have not been, not be placed here. He has not been working there for 2 years. Very simple to understand to make the negative. Had been, had not been, they had not been, not be placed here. Had or been के बीच में हम लोग not लगाकर इसका negative बना सकते हैं। Students, you must make the negative. You complete, you write the sentence completely. आप लोग ये सेंटेंस जरूर कंप्लीट बनाना, यू मस्ट राइट द सेंटेंस कंप्लीटली एंड द मीनिंग आल्सो कंप्लीट, आप कंप्लीट मीनिंग भी लिखना है। वी हैव सम रेस्ट्रिक्शन, वी हैव सम लिमिटेशन, दैट्स व्हाई आई डू नॉट राइट हियर इन द नेगेटिव। देन यू गॉट सम आइडिया, ही हैड नॉट बीन वर्किंग हियर आल्सो, आई शैल नॉट हैव बीन, दे विल not have been, will or have ka beech mein, then he will not have been iska beech. See, in this way it's very simple to understand the affirmative sentence and the negative sentence. How can we make the questions? Very simple, we place have I been watching TV for 2 hours. The question mark. See, we place how the past, then subject, then been, then verb ing form of the verb. Very simple. Then here, how they been singing song for an hour. Then this is also we place has he been working there for 2 years. Then question. We use here has, पहले has हम लोग यो करेगा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेगा, इसके बाद बीन लिखेगा। सी ही हैज बीन वर्किंग देयर, हैज ही बीन वर्किंग देयर फॉर, सेम वे वी प्लेस हैड इन द पास्ट एंड देन सब्जेक्ट देन बीन प्लस देन वाचिंग मींस वर्ब फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क,
हार्ड हम लोग पहले प्लेस करेगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वी. दिस इज ऑल्सो सेम, हार्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड डे, देन बी, इसके बाद पूरा. इन दिस वेज वी कैन मेक द क्वेश्चन सेंटेंस. हाउ कैन मेक क्वेश्चन हियर? शाल आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours? वेरी सिंपल, देन क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इज वेरी सिंपल. Shall I have been? See, I shall have been. Shall I have been? They will have been. Will they have been? He will have been. Will he have been working? In this way, we can make it very simple. Then I challenge you. आपसे हम बताना चाहता हूं, इसका हिंदी का अर्थ आप जरूर लिखिएगा. जब तक हिंदी का करेक्ट मीनिंग आप नहीं लिखेगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. देन एटलीस्ट यू मेक 30 sentences, नया 30 sentences. दिस इज 10 sentences, दिस इज 10 sentences, एंड दिस इज 10 sentences. फर्स्ट यू राइट द अफर्मेटिव सेंटेंस, देन यू राइट द नेगेटिव सेंटेंस, देन यू राइट द क्वेश्चन सेंटेंस, एंड विद द मीनिंग. आप जरूर इसका मीनिंग लिखना है. 10 sentences affirmative sentence लिखिएगा, 10 sentences negative लिखिएगा, 10 sentences positive लिखिएगा, इसके बाद का correct हिंदी जरूर लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा. I think that you got some idea. आप लोग कुछ समझ में आया होगा. If you like, आप अच्छा हो गया, आप like करिएगा, then you must subscribe. आप जरूर subscribe करिएगा, then you will get our next video. Thank you everybody. Have a nice day.